जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती 2024 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। बट गाइस, यहां पर फॉर्म के बारे में जानकारी देने से पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो आपने इस साल के अंदर बकेट लिस्ट तैयार की है या फिर आपने जो भी सोचा कि मुझे साल के अंदर वो अचीव करना है, आप वो अचीव कर पाए। तो मेरी तरफ से आपको 2024 की बहुत बहुत बधाई। ये मेरी 2024 की सबसे पहली वीडियो है जो कि मैं आज यहां पर ये बना रहा हूं, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं और इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। तो गाइज, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने यहां पर भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें कितनी टोटल वैकेंसी है। फॉर्म आप यहां पर देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 से लेकर के 21 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आप उस पोस्ट के नीचे जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहां पर आपकी काफी सारी पोस्ट दी गई है। अभी यहां पर मैं इस वीडियो में आपको यहां पर सिक्योरिटी गार्ड पर अप्लाई करके दिखा रहा हूं। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। तो यहां पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको बोला है पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन करना है, फिर आपको यहां पर आपका पे एंड अप्लाई करना है। इसके बाद में आप यहां पर आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले पाएंगे। तो आप यहां पर आइए और यहां पर आने के बाद में सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहां पर जो आपका नेम है वो एंटर करना है। तो नाम आप यहां पर आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे और सॉल्यूशन में आप यहां पर श्रीमती मिसी जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहां पर मैं श्री हूं तो श्री सेलेक्ट कर लेता हूं। और फिर यहां पर आपको कैंडिडेट नेम में जो आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है एज इट इज आपको यहां पर वो लिखना है। फिर आपको यहां पर अपना नाम दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे एंड देन जो आपका जेंडर है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो यहां पर हायर सेकेंडरी 12th मांगी है तो मैं यहां पर 12th सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आता है कि क्या आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी है और लगातार 3 साल की सेवा पूरी कर ली है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप रक्षा सेवा के भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप विकलांग व्यक्ति है, अगर आप है तो यहां पर भी आपको यस करना है, नहीं तो आप यहां पर नो कर देंगे। फिर क्या आप बिहार के मूल निवासी है, आप बिहार के डोमिसाइल कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस। एंड फिर इसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप बिहार के अलावा किसी और स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, चाहे आपकी आपकी स्टेट में कोई सी भी कैटेगरी हो। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपका ईयर है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे एंड जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है वो सभी चेक करते हुए सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइस, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओटीपी आने से पहले ही वेबसाइट यहां पर डाउन हो गई है। जी हां, आपने सही सुना। मैं आपको टाइम दिखाता हूं कि किस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैं यहां पर इस वीडियो 11:39 पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसके 10 मिनट पहले तक ये वेबसाइट सही से काम कर रही थी, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। बट जब मैंने यहां पर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट किया और उसके बाद में जब मैं यहां पर रजिस्टर करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर वेबसाइट फिर से डाउन हो गई है। एंड जो आपका मेन पेज है वो अभी भी यहां पर ओपन हो रहा है। जैसे कि मैं अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करता हूं तो यहां पर जो ये फ्रंट पेज है ये तो ओपन हो रहा है, बट जब हम किसी पोस्ट पर स्पेसिफिक अप्लाई के लिए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ करके डीईओ पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूं तो ये वेबसाइट यहां पर इस तरह से शो हो रही है, जिसका मतलब है कि ये टेक्निकल एरर है, सर्वर इशू है। क्योंकि जब इस तरह से किसी भी भर्ती के फॉर्म भरे जाते हैं, मेनली जब बिहार में किसी वैकेंसी का फॉर्म निकलता है और फॉर्म भरे जाते हैं, तो शुरुआत में ये वेबसाइट इस तरह से डाउन जाना पक्का है। ये वो लिखवा करके लाते हैं, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट आता है तो ये उसमें लिखवाते हैं कि हाँ, जब आप फॉर्म शुरू करेंगे उसके पहले आपको कोई टेस्टिंग नहीं करनी है। आप जब फॉर्म को शुरू कर देंगे, टाइम दे देंगे, उसके बाद आपको टेस्टिंग करनी है। और इस तरह का आपको एक बार वेबसाइट को डाउन जरूर करना है। ऐसा लगता है कि लिखवा करके लाते इनका अपने आप नहीं होता है। नॉर्मली मैंने देखा है कि जब किसी और वैकेंसी में फॉर्म निकलता है तो उसमें क्या होता है कि
एक दो दिन के बाद में जा करके इशू आता है या फिर कोई OTP का इशू आ जाता है, जैसे कि अभी UP पुलिस के फॉर्म में आ रहा था, यानी कि कोई ऐसा इशू आता है जिसमें कि आप अपना फॉर्म तो भर पाते हैं बट बाद में जा करके कोई इशू आता है, पर इसमें शुरुआत में ही इशू आ जाता है, कभी आपका वेबसाइट ही ओपन नहीं होता और कभी तो एक से दो दिन का वक्त लग जाता है इसमें क्लियर होने में, इसको क्लियर करने में, एंड कभी आपका फीस के अंदर भी इशू आता है। फीस के अंदर भी गाइज अगर आपके सामने इशू आए तो वो भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो अभी तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ जो कि मैं अभी यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा यानी कि आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, अगर OTP में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बारे में यहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो टेक्निकल नंबर दिए है और ईमेल दिए है इसके ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह से वेबसाइट के अंदर इशू आ रहा है। तो जैसे ही आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे, जो आपको एप्लीकेशन आईडी या फिर मोबाइल नंबर दिया जाएगा और आपका पासवर्ड मिलेगा आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से, उसका इस्तेमाल करके आप यहां पर स्टेप टू पर आकर के लॉगिन करेंगे। फिर जो आपका स्टेप 3 रहेगा इसमें आपको सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों ये शुरुआत में फीस लेने लगे हैं, सभी डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया कि कैंडिडेट बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। पहले क्या होता था कि जब आप किसी फॉर्म को भरते थे और मान लीजिए आपने फॉर्म भर लिया पूरा कंप्लीट कर लिया और बाद में जब आप फीस के लिए जाते हैं आराम से तो आप देख लेते एक बार कि हाँ मेरा फॉर्म सही है या फिर गलत है, और अगर आपको लगता है कि चलो गलत हो गया तो आप दूसरा फॉर्म भर लेते हैं, क्योंकि गाइज वो आपका फॉर्म कंसिडर नहीं होता है जब तक फीस कंप्लीट नहीं होती है। पर जब ये आपसे फीस शुरू में ही ले लेते हैं फिर वो फॉर्म आपका कंसिडर हो जाता है और आपके पास कोई इतने पैसे तो हो गए नहीं या इतने करोड़पति तो आप है नहीं कि हाँ आप बार बार नई फीस के साथ में अप्लाई करते हैं, तो ये पहले ही अपनी फीस ले लेते हैं। आप फिर बाद में चाहे फॉर्म कंप्लीट करो या ना करो, आपके फॉर्म के अंदर गलती हो गई है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे गलत चीज मुझे लगती है जो डिपार्टमेंट ने अब शुरुआत में ही फीस लेना शुरू कर दिया है। फीस सबसे बाद में लेनी चाहिए ताकि कैंडिडेट अच्छे से अपनी जानकारी को दोबारा चेक कर ले फाइनल सबमिट से पहले एंड देन वो अपनी फीस को जमा करे। तो गाइज आपको क्या लगता है कि ये सही करते हैं शुरुआत में फीस लेकर के या गलत करते हैं, वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि मैंने तो इसमें काफी सारे कैंडिडेट ऐसे देखे हैं जो कि रजिस्ट्रेशन करते ही अपनी फीस पे कर देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर ही गलती हो गई है, अब वो उसको कैंसिल करे तो फीस जाए और उसको भरे तो फिर फॉर्म अधूरा रहे या फिर उसमें मिस्टेक रहे, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताना। अभी इसके फॉर्म के बारे में बात करें तो आपको फीस देनी होगी पहले, और फीस देने के बाद में आपके सामने वो ऑप्शन एक्टिव होंगे जो कि आपको भरने हैं। क्या भरना होगा आपको, इसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी होगी जो कि 12th की रहेगी, एंड इसके अलावा गाइज आप यहां पर आपका एड्रेस भरेंगे एंड देन उसमें आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा जहां पर फोटो साइन अपलोड करेंगे। मैं आपको यहां पर अभी वो इंटरफेस नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि वेबसाइट का सर्वर डाउन है, और गाइस जैसे कि हम यहां पर वीडियो बनाते हैं आपके लिए ये सब हम डेमो के लिए बनाते हैं, कोई रियल में फॉर्म नहीं भरते, और ये जब इस तरह से फीस लेते तो वो फीस भी वेस्ट जाती है। बात फीस वेस्ट जाने की नहीं है बल्कि बात ये है कि अगर हम वो फीस दे रहे हैं तो कम से कम इसी ऐसे कैंडिडेट की दे जिसको फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यानी कि जो फीस नहीं दे पा रहा है और उसको फॉर्म भरना है या फिर वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पर हमारे पास उतना भी वक्त नहीं होता कि ऑलरेडी हमारे पास उस कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन हो और हम उसका फॉर्म भर सके, तो यहां पर ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इस तरह का जब फीस का अमाउंट देना पड़ता है तो यार बुरा लगता है, वो इसलिए बुरा लगता है कि वो वेस्ट जाता है, बिल्कुल वेस्ट जाता है। हाँ आप उससे देख करके फॉर्म को भरना सीखते हैं पर फिर भी वो फीस किसी के काम नहीं आती, जब इतना अच्छा खासा अमाउंट फीस का दे रहे हैं तो कम से कम वो किसी के काम भी आना चाहिए, ये इसका मुझे थोड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए गाइज मैं ये चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पर फिर भी गाइज जैसे दोबारा वेबसाइट एक्टिव होंगी और मेरे पास किसी कैंडिडेट की अगर इन्फॉर्मेशन आती है जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो मैं उसका फॉर्म भर सकता हूं, अपनी तरफ से फीस जमा कर दूंगा और वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, एंड उसकी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो हाइड हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी जानकारी उसकी जो कि मेन होती है वो पब्लिक नहीं रहेगी। एंड मैं यहां पर फीस जमा करने के बाद कंप्लीट फॉर्म करूंगा और उसके बाद में फिर आपका एक्नॉलेजमेंट यानी कि फाइनल स्लिप ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। माफी चाहता हूं कि मैं इसको वर्बली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बट क्या करें क्योंकि गाइज यहां पर वेबसाइट के अंदर इशू है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि आपको भी पता चले कि इस तरह का इशू आ रहा है, कभी आपको लगे कि यार मेरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो वो चीजें भी आपके मन में ना रहे। सो यही थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड आपका कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और जो मैंने यहां पर सजेशन मांगे हैं आपसे वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। एंड एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं बिल्कुल अपनी जो भी मेरी अगर मेरी ऊपर वाला सुन रहा है अभी इस वक्त, मैं यही कोशिश करूंगा जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी ने जो भी सोचा है कि 2024 के अंदर हम अचीव करेंगे, हम ये प्राप्त करेंगे या हम उसके लिए ये चीज़ करेंगे, वो सभी वो पूरी कर पाए, उन सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। हाँ जो अच्छे वाली हो वही पूरी हो, बुरे वाली मत हो।
तो मेरी बस यही कामना है कि आपने जो भी सोचा है, कोई जॉब को पाने का सोचा है, कोई आपने कोई एक टारगेट रखा है, उसको अचीव आप कर सके। तो मेरी दिल से ये शुभकामना है, ये मेरी तरफ से पूरी दुआ है कि हाँ आप उसको अचीव कर पाए। एंड मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इस नए साल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।